नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना डॉक्टर राज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक नई दवाई की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में इस दवाई के फायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे और इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिकासिन इंजेक्शन आता है अरिस्टो कंपनी का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 53 रुपये इसका MRP है एक इंजेक्शन का। और इसमें जो कंटेंट्स है वो है अमिकासिन इंजेक्शन 250 mg। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन, गोनोरिया, खून में इन्फेक्शन हो जाना, दिमागी बुखार, पेशाब में जलन होना, खून आना, सफ़ेद पानी आना, चर्म रोग जैसे कि दाद, खाज, खुजली, जख्म को सुखाने के लिए, फोड़ा, फुंसी, घाव को सुखाने के लिए, और आग से जल जाने पर जो जख्म हो जाते हैं उनको सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट में सूजन, दस्त, पेचिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी कोई सूजन है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों में कोई संक्रमण है, दर्द है, सूजन है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज जो है वो दोस्तों IM और IV दोनों प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसे बैक साइड पर मांस में और IV नस में भी इसे लगाया जा सकता है। इसे सुबह शाम या फिर दिन में एक बार लगाया जाता है और भी साथ में दवाइयां दी जाती हैं, तो डॉक्टर को चेक करा कर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऐसे 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक बताया जा सकता है, जैसी पेशेंट की कंडीशन होगी और जो उसे प्रॉब्लम होगी उसी प्रकार से इसकी डोज को भी बताया जाता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान है, इसको लगवाने के बाद अगर पेशेंट को सिर में दर्द होता है या खुजली होती है, बुखार आता है, कपकपी होती है, उल्टी आती है, बहरापन महसूस होता है, भरभराहट महसूस होता है, तो आप इसे बंद करवा के अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये इंजेक्शन 100 mg में भी आता है, 250 में भी आता है, 50 mg में भी आता है, तो जैसे उम्र और वेट को देखकर ही इस इंजेक्शन को और इन्फेक्शन को देखकर ही इस इंजेक्शन को जो इसकी डोज को है प्रॉपरली डॉक्टर बताते हैं, तो अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।